हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो एक सीरीज रिकमेंडेशन वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में मैं टॉप 6 हॉरर सीरीज रिकमेंड करूंगा जिनमें डाउनराइट स्कैरी हॉरर सीरीज से लेके साइकोलॉजिकल हॉरर और ड्रामा भी होंगे। तो अगर आप मूवीज और सीरीज रिकमेंडेशन वीडियोस देखना चाहते हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं डेली ऐसे वीडियोस अपलोड करता हूं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लिस्ट की फर्स्ट सीरीज है माइक फ्लैनेगन की द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर। सीरीज की कहानी एक यंग गवर्नेस नेम्ड डैनी क्लेटन की है जो अमेरिका से इंग्लैंड के कंट्री साइड में ब्लाई मैनर जाती है दो बच्चों फ्लोरा और माइल्स के देखभाल करने के लिए। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन डैनी को जल्दी ही ब्लाई मैनर के कुछ डार्क सीक्रेट्स और उनके कुछ पुराने इनहेबिटेंट्स के बारे में पता चलता है जो सिर्फ रात को ही निकलते हैं। ब्लाई मैनर के स्टाफ जैसे कि कुक ओएन, हाउसकीपर हैना और गार्डनर जेमी, सभी का ब्लाई मैनर के इस बासिंदों से कुछ पुराना कनेक्शन है, इसीलिए ये सभी ब्लाई मैनर के पास जानते हुए भी यहाँ पर रुके हुए हैं। अब डैनी ब्लाई मैनर के पास जाने के बाद वहाँ रुकती है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको ये लिमिटेड सीरीज देखनी होगी। हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर माइक फ्लैनेगन के हॉन्टिंग सीरीज का दूसरी एंट्री है और ये एक गॉथिक हॉरर ड्रामा सीरीज है। इसकी स्टोरी हेनरी जेम्स के द टर्न ऑफ द स्क्रू पर बेस्ड है और ये सीरीज ज्यादा डरावनी तो नहीं है, लेकिन इसकी स्टोरी काफी अच्छी है। ये सीरीज आपको थोड़ी स्लो लग सकती है, पर फिर भी एक इमोशनल हॉरर स्टोरी के लिए ट्राई हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर ऑन नेटफ्लिक्स। लिस्ट की नेक्स्ट शो है द टेरर। इस शो की कहानी 1847 के एक नेवल एक्सपीडिशन पर बेस्ड है जिसमें एक ब्रिटिश क्रू लेड बाय सर जॉन फ्रैंकलिन आर्कटिक में से नॉर्थ वेस्ट पैसेज या फिर इंग्लैंड से चाइना का रास्ता ढूंढने निकलते हैं, लेकिन आर्कटिक में जाते ही उनका जहाज फंस जाता है और तब उन सबको सिर्फ आर्कटिक के हार्श वेदर और डिमिनिशिंग होते हुए रिसोर्सेज से ही नहीं बल्कि एक और भयानक खतरे का सामना करना पड़ता है, एक आर्कटिक मॉन्स्टर जो बाहर के लोगों को मार डालता है और ये क्रू अब उसका टारगेट बन चुका है। द टेरर 2018 में रिलीज हुई एक हॉरर ड्रामा सीरीज है जिसकी स्टोरी का बैकग्राउंड ही इसका असली हॉरर का फील देती है और उसके साथ इस शो को बहुत ही अच्छी तरीके से शॉट किया गया है और आप द टेरर को देख सकते हो प्राइम वीडियो पर। और लिस्ट की नेक्स्ट शो है कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज। ये एक हॉरर एंथोलॉजी सीरीज है और इसके हर एक एपिसोड में एक डिफरेंट स्टोरी दिखाई जाती है और इसे बनाया है हॉरर माइस्ट्रो गुइलर्मो डेल टोरो ने। अगर आप उनके हॉरर मूवीज के फैन हो तो ये सीरीज आपको पसंद आएगी। इसके हर एक एपिसोड में एक डिफरेंट टाइप के हॉरर को दिखाया गया है जिनमें कॉस्मिक हॉरर से लेके मॉन्स्टर और पोजेशन भी शामिल है और इसके हर एपिसोड को एक डिफरेंट हॉरर डायरेक्टर ने डायरेक्ट भी किया है। टोटल 8 एपिसोड और 8 डिफरेंट हॉरर स्टोरीज में से द ऑटोप्सी और ग्रेवियर्ड रैट्स ये दो एपिसोड मेरे सबसे फेवरेट है और आप गुइलर्मो डेल टोरो की कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर। और नेक्स्ट शो है द एक्सोर्सिस्ट। इस सीरीज में हम एक फैमिली को देखते हैं। एंजेला प्लेड बाय टैलेंटेड जीना डेविस को लगता है कि उनके फैमिली में कुछ बहुत गलत चल रहा है। उनके हस्बैंड धीरे धीरे अपना दिमाग खो रहे हैं, उनकी डॉटर अपने रूम में ही लॉक्ड रहती है और उनकी छोटी बेटी को दीवारों में से अजीब अजीब से आवाजें सुनाई देती है। डिस्परेट होकर एंजेला अपने प्रीस्ट फादर थॉमस से हेल्प मांगती है। अब फादर थॉमस और फादर मार्कस दोनों मिलके इस फैमिली को इस इविल से बचा पाते हैं कि नहीं, ये इस सीरीज का मेन प्लॉट है। फ्रेंड्स, द एक्सोर्सिस्ट 2016 में रिलीज हुई थी तो थोड़ी पुरानी है, पर एक बहुत ही अमेजिंग हॉरर शो है और अगर आप क्लासिक द एक्सोर्सिस्ट मूवी के फैन हो और वो मूवी आपको डरावनी लगती है, देन वॉच दिस शो। ये शो भी बहुत ही डरावनी और डाउनराइट हॉरर सीरीज है और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा और बनाया गया है और टैलेंटेड एक्टर से ये शो भरा हुआ है और आप द एक्सोर्सिस्ट को देख सकते हो प्राइम वीडियो पर। और लिस्ट की नेक्स्ट सीरीज है एक लिमिटेड सीरीज ड्रैकुला। नाम देखकर ही आप लोगों को पता चल गया होगा ये ब्रैम स्टोकर्स की क्लासिक हॉरर नॉवेल ड्रैकुला पर ही बेस्ड है। उसी के साथ इसमें एक मॉडर्न टच भी दिया गया है। कहानी 1897 के ट्रांसिल्वेनिया में काउंट ड्राकुल और जोनाथन हार्कर के साथ शुरू होता है और दूसरे एपिसोड में हम ड्राकुला के वॉयज ऑन द डिमिटर को देखते हैं, लेकिन लास्ट एपिसोड में स्टोरी मॉडर्न डे पर चली जाती है और ड्राकुला के नेवर एंडिंग फ्यूड विद वैन हेल्सिंग को हम देखते हैं। फ्रेंड्स, ये क्लासिक ड्राकुला स्टोरी पर बेस्ड है, लेकिन बहुत ही एक अच्छी रिटेलिंग है ड्राकुला स्टोरी की और इस शो की सिनेमाटोग्राफी और स्पेशल इफेक्ट टॉप नॉच लेवल की है। बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर से ये शो भरा हुआ है, लेकिन क्लाउस बैंक की परफॉर्मेंस एज काउंट ड्राकुला बेस्ट है और आप इस 3 एपिसोड मिनी सीरीज को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर। और लिस्ट की लास्ट शो है एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर शो और मेरी बहुत ही फेवरेट हैनिबल। इस शो में हम एक FBI क्रिमिनल प्रोफाइलर विल ग्राहम को फॉलो करते हैं जिसके पास एक यूनिक एबिलिटी है जिससे वो किलर्स के साथ एम्पेथाइज कर सकता है और उनके दिमाग के अंदर घुस सकता है, लेकिन ये एबिलिटी धीरे धीरे विल के सैनिटी को भी इफेक्ट कर रहा है और विल के सुपीरियर जैक क्रॉफर्ड विल को एक साइकियाट्रिस्ट
साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हैनिबल लेक्टर के पास भेजता है हेल्प के लिए, और फिर ऐसा लगता है कि विल और हैनिबल के हाथों से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर हैनिबल लेक्टर के खुद के भी कुछ बहुत ही भयानक डार्क सीक्रेट्स हैं, जिनको डॉक्टर हैनिबल को हर हाल में जैक क्रॉफर्ड और विल ग्राहम से छुपा कर रखना होगा। फ्रेंड्स, ये सीरीज थॉमस हैरिस के नॉवेल्स पर बेस्ड है, और आपको पता ही होगा हैनिबल लेक्टर काफी पॉपुलर हॉरर आइकॉन है, और द साइलेंस ऑफ द लैम्स, हैनिबल, रेड ड्रैगन मूवी में सर एंटोनी हॉपकिंस ने इस कैरेक्टर को ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया है। उनको एक ऑस्कर भी मिल चुका है इस पोर्ट्रेयल के लिए। पर इस शो में वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स मैड्स मिकलसन ने इस कैरेक्टर को एक अलग ही लेवल में ले गए हैं। सच में फ्रेंड्स, ये शो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज एवर मेड है। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी और राइटिंग एक अलग ही लेवल की है, और इस शो में गोर, वायलेंस और हॉरर को बहुत ही आर्टिस्टिक टच के साथ दिखाया गया है। सारे एक्टर्स ने अपने रेस्पेक्टिव रोल्स में ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिए हैं, लेकिन ह्यू डैंसी एज विल ग्राहम और स्पेशली मैड्स मिकलसन की हैनिबल लेक्टर एकदम परफेक्शन है। और थर्ड सीजन के एंड में आपको दुख होगा कि क्यों ये सीरीज खत्म हो गई। आप हैनिबल को देख सकते हो प्राइम वीडियो पर। एंड दैट्स द लिस्ट फ्रेंड्स, और मैं जल्दी ही इसका पार्ट टू भी लाऊंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और आपके कोई भी क्वेश्चंस या फिर फीडबैक हो तो मुझे कमेंट में बोलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।